हेलो गाइस, हाउ यू ऑल? ग्रीटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। कैसे हैं आप सभी? आई होप जो है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो बेसिकली आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक में हम बात करेंगे। बेसिकली जो है आपको ओडीपी करना जरूरी होता है अपने फाउंडेशन प्रोग्राम में और अपने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में। अब आपको पता है CSEE इंट्रोड्यूस हुआ है तो फाउंडेशन प्रोग्राम तो नहीं है, बट यस जो है ओडीओपी आपको कंप्लीट करना होता है। कैसे करेंगे, कब तक, या फिर लास्ट डेट क्या रहती है, इसके बारे में हम कंप्लीट जो है बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको करना कैसे है, ठीक है। देखिए ऑप्शन रहता है, ई लर्निंग एक पोर्टल है, ई लर्निंग पोर्टल पे जाके आपको सिंपल से जो है ये ऑनलाइन करना होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में या फिर चैप्टर में बात करें सो वो ऑफलाइन भी जो है प्रोवाइड कराते हैं, देन सर्टिफिकेट आपको दिलाते हैं। सो वो सर्टिफिकेट तो आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है, बट आपको जो है वो कंप्लीट करने की जो है जरूरत होती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आता है कि आपको करना कैसा है। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास जो है आईडी एंड पासवर्ड होना चाहिए। इसके लिए मैं जो है मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि कैसे अटेम्प्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप जो है आपको जो है यहां पे मिल जाएगा आई सेक्शन में। यहां पे से जाकर के आप चेक कर लीजिएगा कि आप कैसे ओडीओपी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, एक पोर्टल होता है ई लर्निंग पोर्टल में, उसको एंटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। देखिए दो तरीके से आप कर सकते हैं, या तो इंस्टीट्यूट जो है ऑटोमेटिकली जो है ओडीओपी की जानकारी आपकी मेल आईडी पे दे देता है। ठीक है, बहुत जो है बच्चों को ये नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए दो ऑप्शन है, या तो आप अपनी कंप्लेन रेज कर लीजिएगा smash.icsi.edu की साइट पे जाकर के कंप्लेन रेज कर सकते हैं, या फिर आप जो है elearning.icsi.edu की साइट पे जाकर मेल कर सकते हैं। ठीक है, आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जो पेमेंट स्लिप है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे पे किया होगा, उसको डिटेल्स जो है आपको elearning@icsi.edu पे मेल करना होता है। वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी, या फिर जो आप कंप्लेंट रेज करते हैं तो भी जो है जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि कब तक या फिर लास्ट डेट इसकी क्या रहती है, कैसे कंप्लीट करना होता है। तो नॉर्मल जो सिनेरियो रहता है, जब भी आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म की डिटेल्स जो फॉर्म रहता है वो फिल करना है, उससे पहले आपको कंप्लीट करना होता है। मतलब विदाउट कंप्लीटिंग ओडीओपी यू वुड नॉट एबल टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म। इसके अलावा जो है जो भी आईसीएसआई की ओर से ओडीओपी या फिर किसी प्रकार का अपडेट रहता है तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं आईसीएसआई लाइव अपडेट करके। ठीक है, इसके अलावा जो है एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट जो है अराउंड मार्च में आती है, उसकी भी जो है आपको इंस्टेंट जानकारी इस वीडियो में या फिर चैनल के माध्यम से आपको मैं बताता रहूंगा। ठीक है, तो ये था बेसिकली जो है जितने भी लिंक्स मैंने बताए हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम रहता है सो मैं आपको जो है कमेंट के थ्रू जो है आप, ठीक है, बाकी मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।